मध्य प्रदेश में चुनावी दौर में बागी प्रत्याशियों को मनाने का दौर चालू। जावरा विधानसभा 222 पर निर्दलीय प्रत्याशी श्याम बिहारी जी पटेल को मनाने भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश जी विजयवर्गीय हेलीकॉप्टर से जावरा पहुंचे। 30 मिनट हुई चर्चा में श्याम बिहारी पटेल ने मना करते हुए कहा कि हम सभी का सम्मान करते हैं, लेकिन इस मामले में हम नहीं मानेंगे। हजारों कार्यकर्ताओं की मेहनत है। साथ ही निर्दलीय प्रत्याशी विश्वजीत सिंह आंबा माने एवं फॉर्म वापस लिया। साथ ही पटेल की बात को टालते हुए विजयवर्गीय जी ने कहा कि मुख्यमंत्री के दूत के रूप में यहां आया था, पटेल से बात की है, 14 तक नतीजे सामने आ जाएंगे। विचारधारा के प्रति समर्पित और निश्चित रूप से थोड़ी सी नाराजगी राजी हो सकती है, पर सभी कार्यकर्ता पार्टी के लिए समर्पित हैं, मोदी जी के लिए समर्पित हैं, अमित शाह जी के लिए समर्पित हैं, शिवराज जी के लिए समर्पित हैं, और हम तो उनके दूत बनकर ही उनसे बात करेंगे। निश्चित तौर पर श्याम बिहारी जी ने बयान देना है हम पार्टी के साथ ही, लेकिन वो माने कि नहीं माने फॉर्म वापस लेंगे ये महत्वपूर्ण है। अब आप देखिए थोड़ा इंतजार करिए, सारी चीज आज बता देंगे तो फिर कल के लिए क्या होगा। नहीं भाई साहब, नगर पालिका चुनाव में भी आप आए थे और आपने रानी लसड़ा जी मनाने की कोशिश करी थी और आपने एक बयान भी दिया था। विजयवर्गीय जी से मुलाकात हुई, पारिवारिक माहौल में चर्चा हुई है, उन्होंने हमें विधानसभा के इस निर्वाचन में फॉर्म विड्रॉल करने के लिए कहा है और हमने हजारों लाखों कार्यकर्ताओं की भावना के अनुरूप उनसे निवेदन किया है कि हम किसी भी परिस्थिति में फॉर्म विड्रॉल नहीं करेंगे। हमारी ये जो जंग है ये परिवारवाद और वंशवाद के खिलाफ है और ये जंग अंतिम समय तक जारी रहेगी। श्याम जी, चर्चा में क्या खास बात कही उन्होंने, क्या बोला कि क्या मतलब संदेश देना चाहा कि एकता के लिए आपको बैठना चाहिए, काय के लिए बैठना चाहिए, कुछ बोला? कुल मिला के वो जो कहना उन्होंने जो कहा है उसका मूल सार ये था कि हमारी सरकार बनना चाहिए और सरकार बनाने के लिए एक एक विधायक का जीतना आवश्यक है और हमने भी उनसे निवेदन किया है कि श्याम बिहारी पटेल भी जीत रहा है तो उसी विचारधारा का व्यक्ति है और वो सरकार बनाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करें। आपकी बरसों से निष्ठा रही है बीजेपी के प्रति, फिर भी आप निर्दलीय खड़ा होकर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इतना आक्रोश क्यों? नहीं, ये आक्रोश जो है ये पार्टी के लिए या विचारधारा के लिए नहीं है, ये वंशवाद और परिवारवाद का आक्रोश है, जनता का और कार्यकर्ताओं के बीच से निकला हुआ आक्रोश है। ये उनकी भावना है कि परिवारवाद और वंशवाद का हमको खात्मा करना है, ये वो विषय है। मुख्यमंत्री जी अगर अनुरोध करेंगे आपसे तो? मुख्यमंत्री जी हमारे वरिष्ठ हैं, हमारे मार्गदर्शक और आशीर्वाद दाता हैं, उनका आदेश सिर आंखों पर है, लेकिन इस विषय में हम हमारे कार्यकर्ताओं के जो आह्वान है, जो आदेश है, हम उस आदेश को मानेंगे और उनसे निवेदन पूर्वक हमको हाथ जोड़ के उनको मना करना पड़ेगा।